सो वाई दिस वीडियो, ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप अगर एस्पायरिंग एक्टर हैं या फिर बीच में हैं, थिएटर कर रहे हैं, फिल्म करना चाहते हैं या छोटे मोटे काम कर रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जब पहली बार सोचा था काम करने के लिए तो वो 2010 था, और तब डिसीजन लेते लेते 2011, तो हाल ही में मैंने 25 तारीख को अगस्त के मैंने एक स्टेटस देखा अपने FB पे, जो वापस आते हैं घूम घूम के मेमोरी के हिसाब से। तो 2011 में मैंने एक स्टेटस अपलोड किया था कि नीड अ चांस, और आज 2021 में वो वापस आया। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये 10 साल बहुत छोटा टाइम तो बिल्कुल नहीं है। तो 10 साल मैं यहाँ पे टिका रहा, और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स तो होता ही है, वो आता गया। जब मैं आप लोगों से जुड़ा तो मुझे लगा कि मैं ये शेयर करूं, ताकि आप लोग एक प्रॉपर प्लान, हमेशा यू नीड अ प्लान। ये प्रोफेशन में आने के लिए आपको बहुत सारी तैयारी की ज़रूरत है, लेकिन तैयारी से पहले एक बेसिक चीज़ होती है कि आप कहाँ से शुरू करें। तो दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट के हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन एक्टिंग। सो चलिए आगे देखते हैं। मैं सोम आपके साथ, और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ, एक्टर एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। बेसिक प्रॉब्लम्स, सो बेसिक प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तीन है। एक तो है आपका फैमिली प्रॉब्लम, मम्मी पापा को कैसे समझाएं। दूसरा सोसाइटी वाला प्रॉब्लम, लोग क्या सोचेंगे। और तीसरा प्रॉब्लम होता है मॉनेटरी प्रॉब्लम, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा फंसते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो आज ये तीन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ निकालते हैं आपके साथ बात करके, क्योंकि ये सब मैंने झेला है और मैंने देखा है, और आज भी मेरे साथ सब कुछ ही हो रहा है, घटित हो रहा है। आपके साथ जो हो रहा है मेरे साथ भी हुआ है, और मेरे साथ जो हो रहा है आपके साथ आगे होगा, अगर आप टिके रहेंगे तो। तो फर्स्ट फैमिली प्रॉब्लम, मम्मी पापा को कैसे समझाएं। अब मैं आपके मम्मी पापा को तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे मम्मी पापा को मैंने कैसे समझाया। तो मैं बहुत ही एकदम से एक गांव का लड़का था, कोलकाता से कहीं 80 किलोमीटर दूर। मैंने कई बार कहा है, ये पुरानी कहानी है, बहुत लोगों को पता होगा। तो मेरे पास कोई संसाधन नहीं था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो मैं तो न्यूज़पेपर देख के छुप छुप के जाता था कहीं। तब तो ऑडिशन का इतना ज़माना नहीं था, और कोलकाता में इतना ऑडिशन होता भी नहीं, आज भी नहीं होता है। तो टीवी में दिख गया, तो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने ऐसे इंस्पायर किया था, क्योंकि मैं बंगाली फिल्म देखता था और मुझे लगता था मैं हीरो बन सकता हूँ। मैं बहुत पतला हुआ करता था, तो लोगों ने कहा तू जा शहर जा ऐसे ऐसे। और स्कूल में भी कुछ नाटक किया था, तो मुझे लगा बड़ा बड़ा आसान है, तो शहर चलते हैं। तो फिर शहर गया तो देखा कि अरे बाप रे, वहाँ तो अलग ही है सब चीज़ें। तो अभी घर में कैसे समझाया कि मुझे ये करना है, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने वाली थी। हाँ, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाए उसके बाद ही हम करियर शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगा ग्रेजुएशन के बाद एक नया करियर लेना ये बहुत ही मुश्किल है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने अपने मम्मी से कहा, तो मम्मी ने तो वो छुप छुप के 2 महीना 500-500 रुपए दिया, कहीं सीखने जाता था, लेकिन पापा को कहना ज़रूरी था। तो मम्मी को मैंने कहा कि जैसे भी करके हमें कोलकाता शिफ्ट होना है, क्योंकि पापा का काम कोलकाता में था। तो मैंने कहा चलो कोलकाता शिफ्ट होते हैं। तो फाइनली जैसे तैसे मैं 2011 में कोलकाता शिफ्ट हो गया। उसके बाद पता नहीं मम्मी ने पापा को क्या कहा, लेकिन पापा का बिज़नेस बहुत ही छोटा बिज़नेस है, अब हम किराए पे रहने लगे, घर को संभालना था। तो अब इशू आ गया कि समझा तो लिया उनको 5 साल के लिए कि ठीक है 5 साल दे दो, मैं अभी 18-19 का हूँ, तो आप दे दो टाइम दे दो। तो उन्होंने दिया मुझे टाइम, लेकिन पापा ने ये कहा कि घर का किराया जो है वो धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि किराया मुझे भी देना पड़ेगा। तो ये आ गया मॉनिटरी इशू, जो 3 नंबर की मैं बात कर रहा था, मॉनिटरी इशू। तो कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो मैंने कई सारे छोटे मोटे काम किए, फिर उसके बाद जॉब किया मैंने कहीं 1.5-2 साल। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा काम ढूंढते रहे साथ। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड का प्रॉब्लम है, फैमिली से सपोर्ट नहीं ही मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ के बावजूद भी आपको करना है, वही तो चैलेंज है। क्योंकि ये इस रेस में लाखों लोग होते हैं, लोग सोचते हैं कि हमें भागना है, हमें करना है, करना है सब कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे सामने एक फ्लैट है, वो एक 30 माले की बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग का जो एकदम टॉप वाला फ्लोर है वो बिल्कुल कांच का है, वो ना एक दिन खरीदूंगा, मैंने आपके सामने बोल दिया वो खरीदूंगा।
लेकिन वो खरीदने के लिए जो मेहनत करना होता है उसमें फिर सारे लोग भाग जाएंगे कि यार नहीं नहीं यार बहुत मेहनत है, हम तो शादी वादी करके बच्चा बच्चा लेके ऐसे रहेंगे, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे, रात को सोएंगे, सुबह ऑफिस जाएंगे, बस वो अगर करना है वो करना है। लेकिन अगर आपको कुछ यूनिक करना है आप सोचते हैं, तो वो यूनिक आपके अपने अंदर से ही आएगा, और उसके लिए आपको प्रॉपर प्लान के साथ मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है। नसीर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे तो सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा, है ना, तो आपको प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है। तो इसलिए आप ऐसे मत सोचें कि शुरू में ही आपको एक्टिंग के लिए कुछ काम मिल जाएगा, आपने दो क्लासेस कर ली, कहीं से कुछ सीख लिया। मैंने NSD किया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं पास आउट हूँ। आप कितने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट्स के नाम जानते हैं? 8-10 कितने सारे हैं आपको पता है? इतने दिनों में मुंबई में कितने सारे लोग रहते हैं पता नहीं है आपको? तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं फिर आपको काम मिल जाता है, आप कुछ बड़े बन जाएंगे, कल को आप कुछ बन जाएंगे। आपको लगे रहना है, आपको उस प्रोसेस में रहना है, और ये जब आप उसी को हम एक स्ट्रगल का नाम देते हैं कि स्ट्रगल करना है। देखिए आज मैं YouTube कर रहा हूँ, मैं YouTube में अपना फिल्म बना रहा हूँ, मैं खुद से डायरेक्शन दे रहा हूँ, मैं खुद से एडिटिंग सीख रहा हूँ, मैं एक एक्टर एक्टिंग लेकर पढ़ाई की है मैंने, और उसके बावजूद भी मैं इतना एक टीम बना के काम कर रहा हूँ, मैं प्रेशर कर रहा हूँ और क्लासेस ले रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है, तो मैं भी अपना मॉनिटरी जुगाड़, और जबकि मुझे अपने पापा जो है उनको देखना पड़ रहा है अभी इस स्थिति में आके भी, वही संघर्ष है। आज मैं NSD से पढ़ के आया हूँ, लेकिन आप लोग जो है वो आप लोग बिल्कुल नए हैं, तो आपके लिए वही संघर्ष है, तो सभी का एक जैसा ही है। तो ये एक हो गया फैमिली प्रॉब्लम, कुछ दिनों का आप टाइम लें, और अपना जो मॉनिटर प्रॉब्लम है उसके लिए आप डट के काम करें। आप आपके पास अभी बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे आप YouTube या फिर आपके Instagram या फिर कई सारे थिएटर्स भी हैं जहाँ थिएटर में पैसे भी लगते हैं नहीं भी लगते हैं, लेकिन प्लान आपका ही होगा, ढूंढना आपको ही पड़ेगा। मैं आपको बस ये बता सकता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि जो मेरे पास नहीं था बताने वाला एक रास्ता कि कहाँ से आप जाएँ, कैसे प्लान करें, बट प्लान आपको ही करना होगा। आप डर जाएंगे प्लान करते वक्त कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसा क्या होगा। हाँ, यहाँ पे आ जाता है आपका दूसरा प्रॉब्लम, सोसाइटी प्रॉब्लम, कि लोग क्या सोचेंगे। लोग कुछ नहीं सोचते, हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे। तो मेरे जो दोस्त हैं वो आज मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब पहली बार, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जब पहली बार उन्होंने सुना था तो उनको लगता है एक्टिंग करेगा, ऐसे कहा था उन्होंने, लेकिन आज जाके वो लोग खुश होते हैं। और जब अभी मैं काम कर रहा हूँ, फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, तब मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, मैं तो उनको बुलाऊंगा आओ फिल्म देखने के लिए। तो जब आपको लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं, जब आपको लोग लगते हैं कि इसके तो औकात से बाहर है, ये छोटा सा लड़का क्या कर लेगा, इसके तो पैसे नहीं है, इसके बाप के भी पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अगर हो भी जाए आपके पास पैसे जो भी हो, लेकिन घर से आपको कितने दिन पैसे मिलने वाले हैं? नहीं मिलने वाला, 1 साल 2 साल 5 साल, उसके बाद तो कुछ करना ही है। और हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या है, आपको तो शादी करनी है 27-28 हो गए, लड़कियों के लिए तो और भी मुश्किल होता है, तो आपको उतना सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये सेल्फ डिपेंडेंट जो शब्द है, अगर एक्टिंग करना है अपने दीवार पे इतना बड़ा करके एकदम लिख के रखिए, तो तीनों प्रॉब्लम का लगभग एक सॉल्यूशन मिल गया आपको। आपका जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और मेरा Insta ID तो है ही सोम देसाई, वहाँ जाके मुझे पिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय, टेक केयर, और प्लान बनाना मत भूलना। सी यू।